Hello, everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM. And here I am back with another video. So, this is the part 4, the series which we have started for SYBCOM, IDOL uh, students, regular students, and the BAF students. And the subject is Accountancy and Financial Management. And for BAF students, it is Financial Accounting. So, we are discussing the major MCQs with full concept clarity so that your paper. which you are going to attempt as the MCQ part क्यू uh, which will be related with your examination एग्जामिनेशन तो उससे रिलेटेड काफी सारी चीजों को हम डिस्कस कर रहे humne teen हमने तीन पार्ट इसके ऊपर liye कर लिए हैं तो the part दार्ट फोर तो इसमें हम और कुछ नए ko सी क्यूज को सीखेंगे प्रैक्टिकल बेस एम सी क्यूज भी इसमें मैंने डाले हैं तो लास्ट तक बने रहे और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर ले ताकि अगले नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम बेसिस पे मिलते रहेंगे शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन फॉलोइंगम so, इन टू एक्सिस्टेंस एज पर इंडियन कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन देखो इंडियन कंपनी में इनमें से कौन सा कंपनी नया लाया है मतलब पहले ये टाइप का कंपनी नहीं था एल एल पी विच इज कॉल्ड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप चार्टर कंपनी वन पर्सन कंपनी एंड स्टैटूटरी कंपनी तो ध्यान से कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन के बेसिस पे वी हैव न्यू कंपनी विच इज कॉल्ड एज ओपीसी ओपीसी इज वॉट वन पर्सन कंपनी पहले सिंगल पर्सन कंपनी फॉर्म नहीं कर सकता था पहले क्या था सिंगल पर्सन मतलब हम सोल ट्रेडर कहते थे दो पर्सन मतलब हम पार्टनरशिप कहते थे लेकिन 2013 में ये नया कॉन्सेप्ट लाया है विच इज कॉल्ड वन पर्सन कंपनी वन पर्सन कंपनी एक टाइप का प्राइवेट कंपनी ही होता है लेकिन एक पर्सन सिंगल ओनर से वो कंपनी फॉर्म कर सकता है तो राइट right आंसर क्या है इसका राइट right आंसर है वन पर्सन कंपनी ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर सेकेंड थोड़ा सा प्रैक्टिकल है कैलकुलेट uh, करना है आपको फ्रेश इशू फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यू हैव सिक्स परसेंट प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज हंड्रेड इच अमाउंट है फाइव लैक्स जनरल रिजर्व दिया है वन लैक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है वन लैक एटी तो इट्स डिविजिबल प्रॉफिट तो डिविजिबल प्रॉफिट है हमारे पास तो सबसे पहले हमें करना क्या है हमें फ्रेश इशू कैलकुलेट करना है तो फिर फ्रेश इशू कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूला क्या होता है फ्रेश इशू इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन ठीक है फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन माइनस आपका जो भी डिविजिबल प्रॉफिट्स है फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन माइनस डिविजिबल प्रॉफिट्स आपको करना है जितने भी आपके डिविजिबल प्रॉफिट्स होंगे वो हम माइनस करेंगे फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन कितना है फेस वैल्यू ऑफ रिडम्पशन है 5 लाख माइनस डिविजिबल प्रॉफिट्स देखो डिविजिबल प्रॉफिट्स में आपका जनरल रिजर्व है 1 लाख प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे है एक लाख अस्सी लेकिन वी हैव एन एडजस्टमेंट दैट इज इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग रुपीज एटी थाउजेंड वॉर सोल्ड फॉर वन तो इन्वेस्टमेंट हमने अस्सी हजार का इन्वेस्टमेंट एक लाख में बेचा है मतलब हमको बीस हजार का क्या हुआ है बीस हजार का प्रॉफिट हुआ है वी हैव अ प्रॉफिट ऑफ ट्वेंटी थाउजेंड तो कैसे करने का इसको देखो डिविजिबल प्रॉफिट जनरल रिजर्व कितना है हमारा एक लाख है प्लस प्रॉफिट एंड लॉस कितना है हमारा वन लैख एटी है प्लस इन्वेस्टमेंट्स uh, बेचा तो हमको प्रॉफिट हुआ कितना ट्वेंटी थाउजेंड ठीक है प्रीमियम भी इसमें आता है लेकिन प्रीमियम अभी फिलहाल क्वेश्चन में आपके अवेलेबल नहीं है तो वन लाख प्लस एट वन लाख एट्टी प्लस ट्वेंटी मतलब ये वन लाख प्लस लाख कितना बन गया थ्री लैक्स तो अगर हम फाइव लैक्स में से थ्री लैख्स को माइनस करेंगे तो हमें कितना आंसर मिलेगा हमें मिलेगा टू लैख एंड दिस टू लैख इज अवर आंसर तो राइट आंसर बनेगा आपको रुपीज

प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो डेबिट होता है और जब कभी भी आपको प्रॉफिट होगा तो आपका क्या होगा प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो क्रेडिट होगा तो अभी इन्होंने कुछ पता है प्रॉफिट एंड लॉस इज डेबिटेड नो लॉस हुआ है सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस इज डेबिटेड यस दिस इज द राइट आंसर प्रॉफिट एंड लॉस इज क्रेडिटेड नो रिमेन सेम तो होगा ही नहीं विल इंक्रीज बाय एटी थाउजेंड ऑब्वियसली नॉट इट विल डिक्रीज बायी था तो हमको इस क्वेश्चन में क्या दिख रहा है लॉस दिख रहा है तो राइट right आंसर क्या है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी डेबिटेड ध्यान रखना है लॉस होगा तो पी एंड एल डेबिट प्रॉफिट होगा तो पी एंड एल क्रेडिट विच कैपिटल इज डिस्क्लोज ओनली फॉर इंफॉर्मेशन तो बैलेंस शीट में बहुत सारे टाइप्स के कैपिटल होते हैं जो हम हमारे शेयर कैपिटल के हेडिंग में डिस्क्लोज करते हैं तो इनमें से ऐसा कौन सा कैपिटल है जो सिर्फ हम इंफॉर्मेशन के लिए ही लिखते हैं इशूड कैपिटल

the books of accounts are closed on 31st December every year the time ratio will be time ratio calculate करने बोला है तो काफी simple है देखो टाइम रेशो के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे एक साइड प्री लिखता हूँ एक साइड पोस्ट लिखता हूँ बहुत सिंपल है देखो acquired कब किया फर्स्ट January को incorporation कब हुआ फर्स्ट April को ठीक है तो हम अभी acquisition से लेके गिनेंगे जनवरी फेब्रुवरी और मार्च तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अप्रैल मत गिनना जनवरी से लेके मार्च जनवरी से लेके मार्च आपके जो भी मंथ्स है वो आपके प्री इनकॉर्पोरेशन प्री मंथ्स पोस्ट में डैश लिखेंगे फिर पोस्ट के मंथ्स कहाँ से है अप्रैल से लेके दिसंबर तो यहाँ पे डैश है और यहाँ पे कितने आएंगे फिर नाइन मंथ्स आएंगे तो देखो आपका रेशियो क्या बनेगा थ्री इज टू नाइन थ्री के टेबल में आएगा थ्री वन जा थ्री थ्री जा नाइन तो आपका रेशियो बनेगा वन इस टू थ्री वन इज टू थ्री देखते हैं ऑप्शन नंबर थ्री इसका सही आंसर है वन इस टू थ्री ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी प्रैक्टिकल पार्ट में आपको पूछे जा सकते नेक्स्ट क्वेश्चन द क्लेम ऑफ प्रेफरेंशियर होल्डर्स ऑन रिडम्शन इज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जनरल रिजर्व अकाउंट सीआरआर अकाउंट प्रेफरेंशियर होल्डर्स अकाउंट तो जो क्लेम ऑफ प्रेफरेंशियल होल्डर्स है वो हमेशा प्रेफरेंशियर होल्डर्स अकाउंट में ही ट्रांसफर किया जाता है हम ड्यू की एंट्री करते हैं प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडमशन ऑफ प्रेफरेंशियस अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंशियल होल्डर्स इसलिए वो कहाँ क्रेडिट किया जाता है वो प्रेफरेंशियल होल्डर्स में ही क्रेडिट किया जाता है नेक्स्ट इज गुडविल रिटर्न ऑफ अंडर प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन इज पोस्टेड टू प्री इनकॉर्पोरेशन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन डिस्ट्रीब्यूटेड इन टाइम रेशियो डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेल्स रेशियो तो गुडविल रिटर्न ऑफ जो भी है तो गुडविल रिटर्न ऑफ जो भी होगा हम हमारे चैप्टर में प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन जिसको हम शॉर्ट में पीपीआई कहते हैं तो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन में गुडविल रिटर्न ऑफ कहां लिखा जाता है तो गुडविल रिटर्न ऑफ हमेशा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में लिखा जाता है वो टाइम रेशियो और सेल्स रेशो डिवाइड से नहीं होता राइट आंसर right है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन नेक्स्ट इज द प्रॉफिट इन द प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड इज ट्रांसफर टू देखो हम प्रॉफिट जो भी रहेगा एक साइड हमारा प्री होता है एक साइड हमारा पोस्ट होता है दोनों चीज़ें बताता हूँ यहाँ पे भी क्रेडिट में प्री होता है क्रेडिट में पोस्ट होता है तो जब हम ये क्रेडिट साइड की टोटल करते हैं और इस क्रेडिट साइड में ये डेबिट साइड के पॉइंट माइनस करते हैं ये जो भी हमें यहाँ पे आंसर मिलता है इसको हम क्या कहते हैं ऐसा बोला है जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस कैपिटल रिजर्व या सिक्योरिटी स्प्रिंग इसको हम क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं कैपिटल रिजर्व तो वॉट एवर प्रॉफिट वी आर गेटिंग इन द प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल प्रॉफिट एंड सिंस इट इज़ अ कैपिटल प्रॉफिट इट इज़ ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अगर यही बैलेंसिंग फिगर आपको यहाँ पे क्रेडिट साइड में मिले ऐसा हो सकता है कि डेबिट साइड की अमाउंट बड़ी है और उसमें से क्रेडिट माइनस करोगे तो यहाँ पे अगर कुछ बैलेंसिंग फिगर आएगा तो उसको हम कहेंगे बाय गुडविल तो ये गुडविल में जाएगा ठीक है प्री में डेबिट साइड आया तो कैपिटल रिजर्व प्री में क्रेडिट साइड आया तो गुडविल ठीक है तो आंसर क्या बनेगा इसका आंसर आंसर बनेगा कैपिटल रिजर्व इज द राइट फॉर दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर देखते हैं पिच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज डेबिटेड इन केस ऑफ री इश्यू ऑफ शेयर्स तो जब हमारे शेयर्स री इशू किए जाते हैं अब हम री इशू करेंगे तो सबसे पहले हम एंट्री ही सीखते री इशू की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट एंट्री होती है शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट क्या होता है एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट डेबिट शेयर शेयर फीचर अकाउंट टू इक्विटी कैपिटल या फिर अगर आप प्रेफरेंस को डेबिटर तो टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ठीक है तो यहां पे पूछा है बीच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज डेबिटेड तो देखते हैं प्रेफरेंस शेयर ये तो क्रेडिट होगा तो नहीं होगा कैपिटल रिजर्व भी नहीं होगा तो हमारा एक ही ऑप्शन बचता है यहाँ पे बैंक आपका राइट आंसर बनेगा बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड आई थिंक आपके बहुत सारे कंसेप्ट अभी क्लियर हो रहे हैं क्वेश्चन नंबर टेन देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन द एक्सेस ऑफ कंसिडरेशन पेड ओवर नेट वैल्यू ऑफ द असेट्स टेकन ओवर इज कॉल्ड एस तो जो भी एक्सेस होगा परचेस कंसिडरेशन का या एक्सेस होगा जो भी आपके कंसिडरेशन का उसको हम क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं गुडविल ज गुडविल ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उसको हम क्या कहते हैं गुडविल तो कौन से पीपीआई से पूछा गया है जो भी आपका एक्सेस रहेगा परचेस कंसिडरेशन का ओवर दसेटर इज कॉल्ड एज गुडविल थैंक यू वेरी मच तो दिस वॉज दी टूडेज पार्ट नंबर फोर्थ वी हैव डिस्कस आई होप मेनी ऑफ दीक्यूज आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू अगर आपको ये सेशन अच्छे लगते हैं तो इसको अपने फ्रेंड्स पे शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब कर ले वीडियो को लाइक करें और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर ले और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले टेलीग्राम चैनल पे मैं बहुत सारे पी को शेयर करते रहता हूँ थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस सेशन नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर